हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज हमारे पास है वीवो का V7 Plus स्मार्टफोन, जो कि उनका नया स्मार्टफोन है। और जैसा कि वीवो के सारे डिवाइसेस फोकस करते हैं सेल्फी पे, तो ये वाला डिवाइस भी फोकस कर रहा है सेल्फी पे। और आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। बाकी स्पेसिफिकेशन की भी हम बात करेंगे, फटाफट पहले बॉक्स कॉन्टेंट देखेंगे, उसके बाद हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। रिव्यू वीडियो बाद में आएगी, एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस है। तो बॉक्स खोलने के कुछ आधे घंटे एक घंटे बाद हम डिवाइस को टेस्ट करते रहेंगे, उसके बाद अपने फर्स्ट इंप्रेशंस शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं वीवो V7 Plus, सार वैल्यू अगर आपको जाननी है तो 1.180 और 0.727 है। एमआरपी लगभग 21,990 है, जो कि एमआरपी है। तो शायद ये 20,000 का मिले 19,999 का, वो देखना होगा जल्दी, इसका प्राइसिंग अनाउंस होगा। तो ये रहा फ़ोन। और एक चीज़ जो हमने बात नहीं की, उसका डिस्प्ले लगभग बीजरलेस आता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीवो का V7 का स्मार्टफोन है, देखने में अच्छा लग रहा है, इसके बारे में और बात करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे आपको मिलती है एक सिम इजेक्टर पिन, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लग सकता है इस इमेज के हिसाब से। तो अच्छी चीज़ है कि डेडिकेटेड स्लॉट्स मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है और वारंटी इन्फॉर्मेशन मिलती है वीवो 1716, जो कि मॉडल नंबर है। एक क्लियर केस भी है, तो अलग से केस बाय नहीं करना पड़ेगा, फटाफट लगा के भी दिखाई देते हैं आपको। तो ऐसा कुछ दिखेगा फ़ोन अगर आप इस केस को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल USB टू माइक्रो USB केबल, चार्जिंग अडेप्टर जिसकी आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट और 2 एम्प एट 5 वोल्ट। और फाइनली ईयरफोन्स, जो कि एक नॉर्मल ईयरफोन्स है, कुछ ज़्यादा फैंसी या कुछ अलग से स्पेशल एडिशन ईयरफोन्स नहीं है। और ये सारा कंटेंट आपको मिलता है अगर आप बाय करते हैं वीवो का V7 Plus स्मार्टफोन। तो ये रहा वीवो का V7 Plus स्मार्टफोन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो भारी नहीं लगता ये डिवाइस, और अगर मैं आपको इसका डिस्प्ले साइज बताऊँ तो ये 6 इंच का डिस्प्ले है, 5.99 इंच का डिस्प्ले। इसके बावजूद फ़ोन इतना बड़ा नहीं है, और मैं आपको डिस्प्ले कंपैरिजन देता हूँ। ये 5.5 इंच डिस्प्ले है, ये आपका 6 इंच डिस्प्ले है, साइज़ लगभग सेम है, वेट लगभग सेम है। तो कंपनी ने फुल व्यू जो डिस्प्ले दिया है यहाँ पे 18:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ, एक तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है डिस्प्ले, और ऊपर से भारी नहीं है, पकड़ने में आसान है, इन हैंड फील भी इसकी अच्छी है। आगे की साइड आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा, पीछे की साइड 16 मेगापिक्सल का कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की साइड आपको मिलता है 3.5 mm ऑडियो जैक, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर आउटलेट। तो फ़ोन पकड़ने में अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रंट में देखने में। अब डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं डिस्प्ले पे। तो जो डिस्प्ले है ये ऑलमोस्ट बीजरलेस एक्सपीरियंस आपको देता है, और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है ये। एक कमी जो इस डिस्प्ले में है वो है ये एक 720p डिस्प्ले है, इसकी रेजोल्यूशन जो है 720x1440 pixels है। और हमने कुछ डिवाइसेस देखे हैं जो LG Q6 जैसे है, उसमें आपको हायर रेजोल्यूशन 1080p डिस्प्ले मिलता है। तो एक बड़ा डिस्प्ले के साथ थोड़ी लोअर रेजोल्यूशन कंपनी ने रखी है, अगर रेजोल्यूशन थोड़ी बेटर होती तो ये और अच्छा डिवाइस हो सकता था। हमें पता है ऑफलाइन में जाएगा, ऑफलाइन डिवाइसेस के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन बेटर हो सकती थी। अब आते हैं इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे। तो कंपनी ने फाइनली इसमें दिया है स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर। बहुत सारे यूजर्स बोलते थे कि वीवो को स्नैपड्रैगन लाना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 450 मिलता है, एंड्रॉयड 7.1.2 मिलता है, 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज मिलती है, और सारे सेंसर भी हैं, कोई मिसिंग नहीं है। एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक रोटेशन सेंसर, ग्रेविटी सेंसर भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, सिग्निफिकेंट मोशन, स्टेप काउंटर, स्टेप डिटेक्टर। स्कोर करता है लगभग 60,000, जो कि स्नैपड्रैगन 625 के पास का स्कोर है। स्नैपड्रैगन 625 भी लगभग 60,000 के आसपास स्कोर करता है। नॉर्मल डे टू डे एप्लीकेशंस में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मल्टीटास्किंग ये अच्छे से संभाल रहा है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप एक साथ रन कर सकते हैं। हीटिंग इशू इसमें हमें कोई मिला नहीं, मॉडर्न कॉम्बैट भी शायद ढंग से और अच्छी तरह चल जाए, पर हम वो सब टेस्ट करेंगे बाद में। जो इसका मेन हाईलाइट है वो है कैमरा और इसका फुल व्यू डिस्प्ले। पर अब आ जाते हैं सीधा इसके कैमरा पे, क्योंकि डिस्प्ले तो आपने देख ही लिया काफ़ी अच्छा है, देखने में रेजोल्यूशन बेटर हो सकती थी। पर अब आते हैं इसकी बैटरी पे, तो आपको मिलती है 3225 mAh की बैटरी, और लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज, क्योंकि डिस्प्ले की रेजोल्यूशन 720p है। दो ये 6 इंच का डिस्प्ले है, पर 3200 mAh के साथ एक दिन चल जाना चाहिए, वो सब हम बाद में
टेस्ट करेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा वर्क करता है, 4G BLT, वाईफाई, ब्लूटूथ एक्सेट्रा ये सपोर्ट करता ही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 20,000 का ये डिवाइस मिलेगा, और ऑफलाइन डिवाइसेस के प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होती ही हैं, पर 20,000 में भी इस डिवाइस में कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी, जैसे कि अगर एक फुल HD डिस्प्ले होता, यानी कि डिस्प्ले की रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा होती तो थोड़ा बेटर रहता। ऑल्दो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, ये फुल व्यू डिस्प्ले है, देखने में काफ़ी बढ़िया है और 6 इंच का डिस्प्ले है, तो आपको जो मल्टीमीडिया कंटेंट इस पर अगर आप कंज्यूम करेंगे जैसे वीडियोस, मूवीज और गेम्स, तो काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको इस बड़े डिस्प्ले पे। और बड़े डिस्प्ले होते हुए भी इसका फॉर्म फैक्टर बड़ा नहीं है, 5.5 इंच के स्मार्टफोन जिसमें एक स्मार्टफोन में 5.5 इंच का डिस्प्ले होता है, लगभग उतना ही इसका साइज़ है। दूसरी चीज़ जो इसमें बेटर हो सकती थी वो है इसका कैमरा। फ्रंट कैमरा तो इसका 24 मेगापिक्सल का काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैक कैमरा भी अच्छा काम करता है, बट डुअल कैमरा प्लेसमेंट होती, चाहे टेलीफोटो लेंस होता जिसमें आप जूम कर सकते हैं 2x, चाहे वाइड एंगल लेंस एक अलग से होता या RGB प्लस मोनोक्रोम होता, तो थोड़ा बेटर रहता, क्योंकि इस प्राइस में आपको काफ़ी डिवाइसेस डुअल कैमरा के साथ आजकल मार्केट में आते हैं। बाकी वीवो ने इस बार काफ़ी चेंजेस करे हैं, और जैसा कि सबसे मेन जो दो चीज़ें हैं, फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल हो गया, डिस्प्ले 6 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले हो गया, देखने में काफ़ी अच्छा है, और एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है। काफ़ी लोग हमेशा से स्नैपड्रैगन चाहते थे, और 450 का जैसे हमने आपको दिखाया था बेंचमार्क स्कोर लगभग 625 जितना ही है, परफॉर्मेंस में ये आपको डे टू डे एप्लीकेशंस तो रन करेगा ही, गेमिंग भी हैंडल कर लेगा। बैटरी भी इसमें 3200 mAh के तो एक दिन चल जाने चाहिए, फिंगरप्रिंट, 4G BLT सब कुछ बाकी आपको मिलता ही है। तो कुछ कमियां हैं, कुछ वो अच्छी चीज़ें भी हैं इस डिवाइस में। इस वीडियो में इतना ही, रिव्यू हम बाद में अपलोड करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशंस थे, और आप बताइए आपको कैसा लगा वीवो का ये डिवाइस जो इस बार कुछ चेंजेस के साथ आता है, जैसा बड़ा डिस्प्ले, फुल व्यू डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 450।